रोहित जिले में झोलाछाप डॉक्टरों पर चिकित्सा विभाग लगातार नकेल कस रहा है। यहां बीते चार दिन में 12 झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। इसी के तहत पिंडवाड़ा तहसील में एक बार फिर से फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। दरअसल स्वरूपगंज चौराहे पर झोलाछाप डॉक्टर इकबाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोगों को गुमराह कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा था। इस दौरान क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाई और चिकित्सकीय उपकरणों को जब्त किया गया। बहरहाल पिंडवाड़ा तहसील में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा है। देखिए, निश्चित रूप से जो ग्रामीण अंचल है, जो दूरगामी है गांव, वहाँ के जो इलिटरेट है पब्लिक, कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन क्वैक्स के संपर्क में ज़्यादा जल्दी रहते हैं, या मैं कहूँ उन पर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। तो वहाँ ये पनपते भी जल्दी है, वहाँ इनको शरण मिल जाती है। तो इनको हटाने के लिए जो स्टेट की जो कमेटी बनी हुई है स्टेट के डायरेक्शन से, जिसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष है, ब्लॉक सीएमएचओ मेंबर है, उस कमेटी के द्वारा आप देख रहे हैं तो जैसा आपके संज्ञान में है, पिछले 3 दिन से भी लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी ये जारी रहेगी। जहाँ तक रही बात मेडिसिन की, तो जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, डीसीओ है, तो उनसे बातचीत करके और इसकी तहकीकात की जाएगी कि इनके पास जो मेडिसिन है ये कहाँ से आ रही है, क्या इनका बिल है, किसके नाम से आ रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल में भी खूब सारी कार्रवाइयाँ जिले में हुई हैं। 5-6 महीने में लास्ट में जो अभी कोविड के कार्यकाल, जो कोविड का काम कार्य था, इस काल में कार्रवाई नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम डीसीएमओ भी सारे कोविड के काम में, कोविड वैक्सीनेशन में बिजी थे, एमओआईसी जो मेडिकल ऑफिसर है सब बिजी थे। अब लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे और जिसका 3 दिन में जो धरपकड़ हुई है, इसको लगातार जारी रखते हुए किसी भी अवैध जो क्लिनिक चलाता है, जो